तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू के सेकंड एपिसोड में। और अब हम आ चुके हैं प्यूटर सिटी में, और ना मैंने अपने पिकाचू और रोकीडी को 15-15 लेवल पर लेवल अप कर लिया, क्योंकि हमारा जो जिम बैटल होने वाली है ब्रोक के खिलाफ होने वाली है, और ब्रोक जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास है रोक टाइप और मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमोन है कि मैं इसे हरा दूँ। कि मेरे पास है इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात, और मैं इससे हार भी सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने पोकेमोन्स को जितना ज़्यादा हो सका उतना ज़्यादा ट्रेन करा। और ये एक बंदा खड़ा है, पता नहीं किस भाषा में बात कर रहा है, और इस गेम के जो क्रिएटर्स हैं ना उन्होंने पूरी तरह से इंग्लिश वर्जन में नहीं बनाया यार, क्या कर रहे हो ना ही उन्होंने थोड़ी सी ग्राफिक्स में भी थोड़ी सी वो कर दी, और इस गेम में भी उन्होंने ये कर दी। तो फिलहाल मैंने डबल किक मार दिया इस बंदे के पोकेमोन को, पिका चुकी। ये अच्छी बात है कि ये डबल किक अटैक सीख जाता है, तो फिलहाल तो मुझे ब्रोक को हराने में आसानी होगी इस अटैक से, क्योंकि एक फाइटिंग टाइप मूव है, और फाइटिंग टाइप ना रोक टाइप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जैसा कि तुम जानते हो। और हमारा रुकीडी पैकिंग अटैक सीख चुका है, जो कि मैंने पहली बार सुना है भाई पैकिंग अटैक, लेकिन ये फ्लाइंग टाइप है शायद से, और ना अटैक भी थोड़ा सा दूसरा दिखा रहा है दूसरी भाषा में। इस गेम का जो क्रिएटर है ना उसने थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ करी है, लेकिन कोई बात नहीं यार, होती है गलतियाँ, थोड़ी बहुत तो होती रहती है, हमें ना माफ़ कर देना चाहिए। फिलहाल तो हम जाते हैं क्या नाम है यार पोकेमोन सेंटर में, और फिलहाल फिर हम करेंगे ब्रोक के साथ फाइट, क्योंकि वो है रोक टाइप है ना। तो मेरे पिकाचू ने जो है डबल किक अटैक सीख रखा है जो कि फाइटिंग टाइप है, तो मैं हरा सकता हूँ शायद से ब्रोक को हरा दूंगा। अगर मेरे पास ये मूव नहीं होता ना डबल किक अटैक, तो मैं ज़िंदगी में कभी भी हरा ही नहीं पाता ब्रोक को। तो फिलहाल तो जाते हैं ब्रोक के पास, और ये बंदा था इसको हमने हरा दिया था पिछले एपिसोड में ही हरा दिया था शायद, और ब्रोक के पास आ चुका हूँ, और इसका ओनिक्स भी दिखाई दे रहा है, आई एम ब्रोक लीडर ऑफ। चलो इससे फाइट कर लेते हैं, और यह है भाई हरा ही देते ना इसको, और आसपास में बहुत सारे लोग खड़े हैं, पता नहीं कौन इसके पास है चार पोकेमोन। पहला पोकेमोन इसका राय हो ना, इसको ना मैं हरा दूंगा। चलो डबल की कट है, और चलो ये येलो पर आ चुका है यार, अच्छी बात है येलो पर आ चुका, बॉडी स्लैम में टैग दे दिया इसने, और इसने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज दिया है वैसे। चलो डबल की कट है, और इसके पहले पोकेमोन को तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। फिलहाल ना मैं पोकेमोन को स्विच करना चाहिए, और रुकीडी को बुलाना चाहिए, रुकीडी को बुलाकर मैं अटैक तो नहीं करूँगा, पिकाचू को पोशन दे दूँगा ताकि पिकाचू की हेल्थ जो रिकवर हो जाए। तो चलो जल्दी से ना पिकाचू को पोशन देते हैं पहले, तो फिलहाल तो क्या यार ये पोशन दे सकता हूँ ना मैं, ये क्या टाइनी मशरूम, मशरूम रेयर दैट इट पॉपुलर फॉर सर्टेन। चलो पोशन दे देते पहले तो पिकाचू के, पता नहीं क्या दिल सा बना हुआ है, दिल बना हुआ है यार इसके आस पास। फिलहाल तो ओनिक्स आ चुका है, ओनिक्स ना मुझे लग रहा है कि हरा देगा रुकीडी को, और फिलहाल इसको ना मैं कमज़ोर करने की कोशिश करता हूँ रुकीडी से, जिससे कि पिकाचू को हराने में आसानी हो ओनिक्स को। और ये थोड़ा बहुत डैमेज दे तो रहा है रुकीडी, लेकिन काफ़ी है, चलो वैसे हरा देगा हमारा पिकाचू जैसा कि मुझे लग रहा है। चलो इसने बाइंड अटैक दे दिया, पैकिंग अटैक फिर से देते हैं, और काफ़ी डैमेज दे दिया, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उतना तो इसने दे ही दिया अपने हिसाब से। तो मुझे ना बग टाइप पोकेमोन पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा, मैंने सोचा कि हम गेलार रीजन पोकेमोन पकड़ते हैं। तो फिलहाल तो मैं पिकाचू को बुलाता हूँ वापस, वो अपना हरा दूंगा शायद से, डबल किक अटैक शायद से इफेक्टिव हो इसके ऊपर। तो फिलहाल तो मैं डबल किक अटैक का यूज़ करता हूँ, और डबल किक अटैक से येलो पर आ तो चुका है ये, बस पोशन यूज ना कर ले, और टम्ब अटैक को ख़त्म। अरे यार चलो इसने ख़त्म नहीं करा मुझे पोशन अटैक ने, और डबल किक अटैक फिर से देते हैं इसको। अरे यार रेड पे आ चुका है, अब ना एक एचपी का बच चुका है ये, अब ना मैं क्या करता हूँ ना कि बस ये पोशन का यूज़ ना कर ले रोकना, अगर पोशन का यूज़ कर लिया ना तो बुरी बात हो जाएगी, और इसने कर भी लिया यार, तो मैं पता नहीं इसको हरा भी पाऊँगा कि नहीं हरा पाऊँगा यार, ये तो पोशन का यूज़ कर ही जा रहा है, तो मुझे लगा था कि नहीं करेगा, लेकिन ये जिम बैटल जो हमारी टफ होने वाली है, तो फिलहाल मैं कोशिश तो पूरी करूँगा कि इसको हरा दूँ। फिलहाल तो मैं इसको येलो पर ले आया हूँ, और ये भी मुझे अच्छा खासा डैमेज दे चुका है, और मेरी जो स्पीड है उसको भी फेल कर चुका है। अब ना इसका ओनिक्स ही पहले अटैक करेगा, तो मुझे पोशन का यूज़ करना चाहिए, और अपने पिकाचू को लेवल अप करना चाहिए, और उसने फिर से रोक टम दे दिया, मेरे पिकाचू जो है फिर से येलो पर आ चुका है। तो क्या मैं फिर से एक बार पोशन का यूज़ करूँ? तो चलो एक बार और पोशन का यूज़ करते हैं। वो इसने ब्लाइंड अटैक दे दिया, ब्लाइंड अटैक, तो इसको ना वो लग चुका है, पैरालाइज हो चुका है ये ओनिक्स, तो मेरे लिए अच्छी बात है, इसको डबल किक अटैक फिर से देते हैं, और अपना ये ख़त्म हो चुका है।
इसी के साथ इसका ना दूसरा पोकेमोन और जो स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था ना इसका वो खत्म हो चुका होगा। इसका तीसरा पोकेमोन आएगा पता नहीं कौन है, जियोडूड है। जियोडूड को तो मैं आसानी से हरा दूंगा जैसा कि मुझे लगी रहा। चलो ये ना येलो पर आ चुका है और इसका एक और अटैक देना और ये खत्म हो जाएगा। इसने मैग्नीट्यूड 5 दे दिया। अरे यार डैमेज तो इसने काफ़ी दिया लेकिन मैं इसको हरा चुका हूँ। चलो अपने इसका लास्ट पोकेमोन आने वाला है, मुझे पता नहीं वैसे कौन हो सकता लेकिन रॉक टाइप होगा। ये है ओमनीमाइट। तो मैंने जल्दी से पोशन का यूज़ कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है कि वाटर टाइप है शायद से। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक टाइप मूव है क्या, देखने दो। थंडर शॉकर का अटैक देते हैं और ये करते हैं इसको ख़त्म। चलो इसको भी हमने कर दिया। ये ओमनीमाइट था ना, रॉक और वाटर टाइप था शायद से। तो हमने ना इसको थंडर शॉक से अटैक से इसको कर दिया ख़त्म और ब्रोक को हरा दिया यार हमने। और इसी के साथ हमने अपना पहला जिम बैच जो है जीत लिया और हमारी पहली फाइट ही टफ थी यार। पहले जिम बैटल में ही हमें टफ फाइट का सामना करना पड़ा यार, क्या ही बात है। फिलहाल के लिए तो मैं इसे हरा चुका हूँ, पता नहीं क्या कह रहा। अब टमरों का टैग दे दिया इसने हमें, जिससे हम अपने जो एनिमी है उनकी स्पीड को फेल करें और ये अच्छा खासा अटैक भी देती है। वैसे मैं इसके साथ फाइट, मुझे लगा था कि ब्रोक हमारे साथ चलेगा चरने पर जैसा कि एनिमे में दिखाया गया था, लेकिन ये नहीं आया। तो फिलहाल तो मैं पोकेमोन सेंटर जाता हूँ, अगली सिटी में जाते हैं। अगली सिटी में तो आपको पता ही होगा कि हम में से मैं नहीं सॉरी क्या नाम है उसका यार, मिस्टी से फाइट करेंगे शायद से। और मिस्टी के पोकेमोन होते हैं वाटर टाइप और मेरे पास है पिकाचू जो कि इलेक्ट्रिक टाइप, तो हम आसानी से हरा देंगे उसको। और अगर आपको नहीं पता ना पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू को इंग्लिश वर्जन कैसे डाउनलोड करें तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और ये पता नहीं गर्ल का हालत क्या ही थी। तो मैंने ना म्यूजियम में आ चुका हूँ मैं और यहाँ पर फॉसिल्स पड़ी हुई है। फिलहाल तो फॉसिल्स का तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ काम होगा, तो चलो जल्दी से ना ऊपर जाते हैं। ऊपर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है कि मैंने ऐसे ही पैसे दे दिए हैं अपने, वेस्ट कर दिए, तो मुझे वापस से जाना पड़ेगा। तो चलो जाते हैं जल्दी से वापस से। यार ऐसे ही मैंने पैसे बर्बाद कर दिए हैं और यहाँ पर एक बटरफ्ली है और यहाँ पर पता नहीं घर की हालत ग्राफिक्स है ना थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, जो क्रिएटर है उसने अच्छी तरह नहीं करी। कोई ना यार, एक ट्रेनर आ चुकी है वैसे और इसके पास है 2 पोकेमोन, तो मैं ना फटाक से इसे हरा देता हूँ पहले। तो फिलहाल तो मैं इसे हरा चुका हूँ और एक दूसरा बग टाइप ट्रेनर लग रहा मुझे, तो इसके साथ भी फाइट कर लेते हैं और इसको हरा देते हैं। चलो इसके पास बग टाइप पोकेमोन होंगे और इसके पास भी 3 पोकेमोन है। चलो कैटोपी आ चुका है पहला पोकेमोन इसका, तो मैंने इसको भी हरा चुका हूँ। और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर अच्छे हैं यहाँ पर, तो फिलहाल तो इसको भी हराना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा जितने ट्रेनर्स मैंने सोचे भी नहीं थे ना उतने ज़्यादा ट्रेनर्स हैं यहाँ पर। इसका पोकेमोन आ चुका है स्पीरो, इसको ना थंडर शॉक से मैं ख़त्म करता। अरे यार टेकल गलती से कर दिया, मैं थंडर शॉक करता ना एक ही अटैक में ख़त्म हो जाता, लेकिन अब तो ख़त्म ही हुआ ही ना। वैसे मैं पहले ही थंडर शॉक अटैक करना चाहता था लेकिन गलती से टेकल अटैक कर दिया मैंने। फिलहाल तो मैं इस बंदे को भी हरा चुका हूँ और नीचे रास्ता नहीं है। और एक दूसरा ट्रेनर है और इसके पास भी मुझे लग रहा है कि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होंगे, और फ्लाइंग टाइप हुआ तो मैं इसको हरा दूंगा, लेकिन नहीं है फ्लाइंग टाइप। फिलहाल तो मैं इसको भी हरा चुका हूँ और एक बग टाइप ट्रेनर जो है मेरे सामने आ चुका है, तो हमें ना जल्दी से इसे भी हराना पड़ेगा। और इसके पास 2 पोकेमोन वेनोनेट इसने निकाल दिया जो कि पॉइजन और बग टाइप, तो मेरी रुकीडी जो है इनको सबको ख़त्म कर देगी, मुझे लग रहा है कि ऐसा ख़त्म कर देगी। और मेरी रुकीडो को इन्होंने पॉइजन कर दिया है यार, इससे बुरी बात क्या होगी। चलो पैकिंग अटैक हो, इसको तो मैंने ख़त्म कर दिया और इसका जो लास्ट पोकेमोन है वो बचा हुआ है। चलो ककूना आ चुका है और ककूना शायद से एक अटैक में ख़त्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। अरे यार नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा है फेंट ना हो जाए रुकीडी हमारा, बस यही बात है। रुकीडी अगर फेंट हो गया ना अच्छी बात होगी नहीं हमारे लिए। फिलहाल तो मैं इस ट्रेनर को हरा चुका हूँ और हमारा रुकीडी 18 लेवल पर पहुँच चुका है। और भाई यार तुमने पॉइजन क्यों लगा दिया मुझे, और हमारा रुकीडी इवॉल्व होने वाला है भाई साहब। रुकीडी हमारा इवॉल्व हो चुका है यार, क्या ही लुक देखना, तुम लुक देखना क्या ही लग रहा है। ये पोकेमोन मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये ना गेलार रीजन का है और भी स्क्यूर में इवॉल्व हो चुका है। वैसे एक और ट्रेनर आ चुकी है तो ना जल्दी से इसको भी हरा देते हैं। वैसे मेरा क्या नाम है कोरविस क्यू, पता नहीं क्या है यार पंछी है ना वो कोरविस क्यूर है नहीं। इसको पॉइजन लग चुका है, पता नहीं हरा भी पाएगा कि इसको नहीं। फिलहाल तो हम हरा देंगे यार इस ट्रेनर को, तो हरा ही देंगे। और कोई बेरी यूज़ कर ली इसने, सेट्रस बेरी का यूज़ कर लिया जिगली पर, जिससे HP पूरी रिकवर हो चुकी है और मेरा जो कोरविस क्यूर है ख़त्म हो चुका है। अब ना मैंने पिकाचू से, अरे यार मेरा पिकाचू पहले फेंट हो चुका था, तो मैं अब आ चुका हूँ पोकेमोन सेंटर में। और फिलहाल तो मैं उस ट्रेनर से हार गया था,
चलो पहले अपने पोकेमोन्स को हिलअप करवाते हैं और वापस से जाते हैं वहीं पर, उस ट्रेनर को ना हरा देते हैं। और अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर दो यार, शेयर कर देना वीडियो को यार, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं। और व्यूज़ तुम देख ही रहो कितने डाउन चल रहे हैं हमारे, तो यार शेयर कर देना भाई प्लीज़ यार। तो यहाँ पर ना एक ट्रेनर थी, ये रही, इसको ना हराना पड़ेगा। चलो इसको हरा देते हैं। पहले तो मैं इससे हार गया था क्योंकि मेरे पोकेमोन्स की हालत ख़राब थी, तो इसको हरा देते हैं। अपने आप को तुगलक खान समझ रही है, नहीं थंडर रॉक का टैग देते हैं इसकी जिगलीपफ को। और मुझे लगा था कि अरे यार डिसेबल कर दे इसमें, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ डबल की का टैग, और भाई रेड पे आ चुकी है। चलो अब नहीं पैरालाइज भी हो चुके हैं, इसमें सिट्रस बेरी का साथ से फिर से यूज़ कर लिया डबल की का टैग का फिर से यूज़, और आप फिर से रेड पर आ चुके हो। डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया इसमें, जो कि इसकी सबसे बड़ी गलती, लेकिन अब नहीं बच सकती। कोई का टैग करते हैं और इसको करते हैं ख़त्म। चलो इस ट्रेनर को भी हमने हरा दिया फिलहाल के लिए तो। और हमारे पोकेमोन्स की एचपी है ना आपस में शेयर हो रही है, अगर कोई पोकेमोन फाइट नहीं करता ना तो भी उसकी एचपी जो है दूसरे पोकेमोन के साथ शेयर हो जाती है। और ये बग टाइप ट्रेनर है तो उसको भी हरा देता हूँ जल्दी। तो मैंने ना इसको भी हरा दिया अपने को भी सिक्योर से यार, हरा दिया यार। चलो इसको हरा दिया। एक और ट्रेनर है पहाड़ के ऊपर, देखो तुम एक अंश घूम रहा है यार, क्या ही लग रहा है एक अंश, देखो सांप की तरह। चलो ये ना नीड्रोन है शायद इसके पास, और इसको करते थंडर शॉक का अटैक, और ये येलो पर नहीं आया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है इस ट्रेनर को हराने में, और ये शायद से हमें भी दिक्कत दे सकता है। लेकिन फिलहाल तो मैं इसके जो नीड्रोन है इसको ख़त्म करने वाला हूँ। इसको मैंने ख़त्म कर दिया, और इसका सेकेंड पोकेमोन है वो भी मुझे लग रहा है कि नीड्रोन होगा फीमेल वाला। डबल टीम अटैक सीख रहा हमारा पिकर, लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगा, कोई काम का नहीं है यार। और नीडोरियन फीमेल वाली जो है आ चुकी है, तो हमने कौन स्क्यूर को बुलाते हैं, कौन भी स्क्यूर, क्या नाम है यार इसका, कोई निक नेम रेटर आ जाए ना मुझको वही नाम दे दो, हम मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, इतना डिफिकल्ट नाम है यार ये, कोई निक नेम रेटर वाला आ जाए ना तो इसको निक नेम दे दें। पहले तो ना इसको हरा देते, मैंने इसको हरा भी दिया। चलो 90 लेवल का हो चुका है हमारा कोर भी सिक्योर, और इस लेडी को मैंने जो है हरा दिया है आसानी से। और वो एक अंश घूम रहा है भाई सांप, हमारे यहाँ पर सांप आ जाए तो डर ही जाते हैं बंदे। चलो एक ट्रेनर खड़ा है, इसे फाइट करेगा क्या? चलो इसने फाइट तो करी नहीं भाई साहब, देख ही रहो कितने एक अंश घूम रहे हैं आसपास, ये हमें डसते भी नहीं। चलो यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है वैसे, और यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि एक केव होगी शायद। हाँ जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर एक केव है, जल्दी से नर्स जो है के पास जाते हैं और अपने पोकेमोन्स को हिलअप करवाते हैं, और जल्दी से जाते हैं इस केव के अंदर। इस केव के अंदर ना हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले तो पोकेमोन्स आते रहते थे, अपना पोकेमोन्स जब हम कह चाहेंगे ना तभी फाइट कर पाएंगे पोकेमोन से। और ये अंकल कह रहे हैं कि टीम रॉकेट से बच के रहना, तो वो बच के रहेंगे यार। चलो जल्दी से ना यहाँ पर कोई पोकेमोन तो आएगा नहीं, बाहर ना अंकल खड़े थे, अंकल से बात करके देखते हैं क्या है। हेलो हेलो आए, अच्छा भाई निक नेम रेट रह दूँ क्या? कोर भी सिक्योर नाम है, लेकिन छोड़ो यार नहीं देते। अगर इसका कोई अगला रोल रूप आया ना हमें पता कैसे चलेगा यार, छोड़ो। वैसे मुझे याद है अंकल यहीं पर, तो हम बाद में कभी भी आकर इनसे नेम चेंज करवा लेंगे। फिलहाल तो एक ऊपर पोकेबॉल पड़ी है, यहाँ पर जियो डूड और क्रोबेट जो है घूमे जा रहे हैं। मैं इनसे फाइट तो करूँगा नहीं, और टीएम मिल चुका है मुझे। यहाँ पर ना ट्रेनर्स भी है काफ़ी, तो मुझे इन्हें भी हराना पड़ेगा। पहले तो पिकाचू को स्विच कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ना एक बग टाइप है, तो मैंने इसके लिए स्विच करा पिकाचू को, ताकि वो हमारा कोई भी सिक्योर है ना इसको आसानी से हरा पाए। तो चलो यार मैं जल्दी से ना इसको हरा देता हूँ पहले। तो फिलहाल तो मैं इसको भी हरा चुका हूँ ट्रेनर को, और भाई हरा दिया यार इसको। और ऊपर ना एक पोकेबॉल पड़ी है, उसमें शायद से कोई, अरे हट जाना जियो डूड यार, हट गया। चलो आपने क्या पैरालाइज हील मिल चुका है यहाँ पर, और रास्ता नहीं है। चलो अब मुझे नीचे उतरना होगा, और ट्रेनर एक आगे ट्रेनर है, तो इससे भी फाइट करके इसे हरा देते हैं। तो इसके पास एक ही पोकेमोन है, तो इसको हरा देते हैं। क्लेफेरी है इसके पास, क्लेफेरी को मैं हरा दूँगा। चलो अरे यार फॉलो मी अटैक कर दिया इसने, जो कि पता नहीं किस काम का है। पैकिंग अटैक और येलो पर आ चुकी, एक दूसरा अटैक और एक खत्म। अरे यार एक एचपी की कैसे बच सकती है। चलो फिर से टैकल अटैक करते हैं। चलो टैकल अटैक से अपना ख़त्म हो चुकी है ये, और इस ट्रेनर को भी हमने हरा दिया है। फिलहाल तो ये हमें ना पैसे भी दे रहे हैं, ये ट्रेनर है ना हारने के बाद हमें पैसे भी दे रहे हैं। और एक साइंटिस्ट जो है आ चुका है इसके पास, मुझे लग रहा है कि स्टील टाइप पोकेमोन हो सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था। तो मेरा पिकाचू तो मैंने बुला लिया, और इसको मैंने कर दिया ख़त्म। वैसे मुझे लग ही रहा था कि पिकाचू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लाइंग टाइम वो काम ही नहीं कर रहा था ना इस पर,
तो पिकाजू की जो डबल किक थी ना, डबल किक अटैक है वो उसने काम करा। तो जल्दी से ना पहले मैं पोकेमोन सेंटर जाता हूँ क्योंकि दोनों पोकेमोन्स की हालत ख़राब हो चुकी है। जल्दी से जाते पोकेमोन सेंटर में और अपने पोकेमोन्स को हीलअप करवा के फिर वापस से जाते हैं। चलो फिलहाल तो हमारे पोकेमोन्स जो है अभी हीलअप हो रहे हैं, तो चलो हमारे पोकेमोन्स हीलअप हो चुके हैं, अब ना वापस से केव के अंदर जाते हैं। और काफ़ी दो तीन ट्रेनर्स को तो मैंने हरा दिया, मुझे लग रहा है कि और भी ट्रेनर हैं यहाँ पर। फिलहाल तो नीचे की साइड यहाँ पर कुछ नहीं है और नीचे की साइड जाते हुए एक ट्रेनर है, तो इसको ना फिलहाल जल्दी से हम हरा देते हैं। ये बग टाइप है तो हमारा क्रो भी इसको अकेला ही हरा देगा। तो फिलहाल मैं इसको ना हरा चुका हूँ और नीचे की साइड जाते हैं। यहाँ पर कुछ है, पोकेबॉल पड़ी है यहाँ पर, तो पोकेबॉल ले लेते हैं पहले। तो आई फाउंड पोशन मिल गया मुझे। तो एक और पोकेबॉल है यहाँ पर, क्या है इसमें है रेयर कैंडी। रेयर कैंडी जो है अपने पोकेमोन्स का जो लेवल है अप कर देती है। चलो एक और मिल चुका है, स्केप रोप मिल चुका है, जिससे हम इस केव से बाहर जाना चाहें तो स्केप रोप का इस्तेमाल कर जा सकते हैं। और एक आदमी खड़ा है, इससे बात करके दे, आई एम लुकिंग फॉर फॉसिल्स इन द एम्प्टी ज़ोन, समटाइम्स ब्रोक हेल्प्स मी ऑफ द प्यूटर जिम। अच्छा, ये अंकल है ना शायद से फॉसिल को तलाश कर रहे हैं, तो हमें ना जाना चाहिए। और मैं यहाँ तो मैंने घूम बहुत सारी ढूंढ लिया, कुछ नहीं मिला। और एक ट्रेनर आया है रास्ते में और इसको ना हम जल्दी से हरा देते हैं। इसके पास वाटर टाइप है, हरा देते हैं यार इसको जल्दी से। तो पहले फिलहाल मैं इसको भी हरा चुका हूँ और आगे ना एक ओनिक्स है और एक ट्रेनर है। तो यहाँ पर एक पोकेबॉल पड़ी है, पोकेबॉल मूनस्टोन मिल गया भाई हमें। तो चलो यहाँ पर ना मैं ओनिक्स को पकड़ूँ क्या गाइस, कमेंट करना ठीक है, ओनिक्स को पकड़ूँ या ना पकड़ूँ। फिलहाल तो मैं नहीं पकड़ने वाला, तुम कमेंट कर देना कि मैं पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ। या फिलहाल तो इस ट्रेनर को हरा देते हैं जो कि रॉक टाइप पोकेमोन्स हो गए इसके पास। हमें ना जल्दी से पिकाचू पर स्किप कर देना चाहिए, पिकाचू को बुलाते और इस ट्रेनर को हम हरा देते हैं। तो रोल आउट अटैक दे दिया इसने और ना फिलहाल तो इसको हरा देता हूँ। चलो डबल किक अटैक और ये, अरे यार चलो, अरे यार मारना दे बस। चलो इसका मिस हो गया और हमारा डबल किक अटैक। तो फिलहाल तो मैंने जियो डूड को हरा दिया और इसके दो पोकेमोन्स जो है और बचे हैं। अरे हमारा पिकाचू 20 लेवल का हो गया और अब ना ये राय हॉर्न को बुला रहा है, तो ना अब मुझे पोशन का यूज़ करना होगा क्योंकि मैं हार जाऊंगा नहीं तो इससे। चलो पोशन का यूज़ कर लिया मैंने, इसमें टेल वाइप अटैक कर दिया, डिफेंड फेल कर दिया इसे मेरा। डबल किक अटैक करते हैं क्योंकि प्योर अटैक है नहीं, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज दे दिया इस मेरी डबल किक ने। चलो इसने स्केरी फेस करता है यार, तो डरा रहा है कि मुझे। चलो फिर से डबल किक अटैक और इसके दूसरे पोकेमोन को भी हमने हरा दिया। और इसका जो लास्ट पोकेमोन है वो बचा हुआ है, ओनिक्स बचा गया है इसका, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है। मैं इसे भी हराने की कोशिश करता हूँ, इसने रॉक टम्ब अटैक दे दिया भाई, पूरा रेड पे ले आया। तो इसको ना मैं हराने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी डैमेज दिया भी है इसने। फिलहाल तो पोशन का यूज़ करते हैं और पिकाचू की हालत ना ख़राब हो चुकी है। फिलहाल इसको ना ओनिक्स को लग चुका है पैरालाइज, और फिर से पोशन का यूज़ करते हैं हम। और रॉक ट्रैप, अरे यार रॉक ट्रैप अटैक कर दिया इसने, पता नहीं अब क्या इससे होता क्या। लेकिन डबल किक अटैक का यूज़ करते और ना अब एक अटैक और बचा है इस पर। फिलहाल तो ना मैं डबल किक अटैक और ये हो चुका है ख़त्म, इस ट्रेनर को भी हमने हरा दिया। और तुम ना कमेंट कर देना कि मैं ओनिक्स को पकड़ूँ के ना पकड़ूँ। फिलहाल तो मैं नहीं पकड़ने वाला ओनिक्स को, और देखने में तो भाई ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हो तुम कितना बड़ा सा लग रहा है पोकेमोन ये। फिलहाल तो इससे बात करते और मैं ना सोच रहा हूँ कि इससे नहीं पकड़ते, तो अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं इस केव में वापस से आकर इसको पकड़ लूँगा। फिलहाल तो हम जाते हैं यार, देर तो लगने वाली है नहीं वैसे भी, और कहाँ जाए अब। चलो ये केव है, इसके अंदर जाते हैं। और चलो एक यहाँ पर ना टीम रॉकेट का मेंबर है, टीम रॉकेट के मेंबर को हराना पड़ेगा। जेसी और जेम्स अब तक आए नहीं फिलहाल। यहाँ पर ना एक जूबेट आ चुका है और जूबेट को हरा देते हैं चलो जल्दी से। अरे यार काफ़ी डैमेज तो काफ़ी दे दिया, और जूबेट को मैंने हरा दिया बड़ी आराम से, तो कोई दिक्कत आ नहीं रही मुझे इसके पोकेमोन्स को हराने में। तो मैं ना इससे ही हरा दूंगा। चलो एकंस आ चुका है, अब एकंस को भी हरा देंगे पैकिंग अटैक। और चलो येलो पर आ चुका है, इसने ग्लेयर अटैक कर दिया शायद से, पैरालाइज कर दिया यार मुझे। और इसने ना कोई बेरी यूज़ कर लिया, क्या लिफ क्या नाम था इसका, लाइफ स्टोर्स। फिर से पैकिंग अटैक और अपने रेड पर आ चुका है, और इसने फिर से लेफ्ट स्टोरेज क्या है ये इसका यूज़ कर इसने फिर से अपनी एचपी रिकवर करने की कोशिश करी, लेकिन इसको हमने हरा दिया है। और टीम रॉकेट का मेंबर जो है हमसे हार चुका है। फिलहाल तो यहाँ पर एक पोकेबॉल पड़ी हुई है, और यहाँ पर ना क्या नाम इसका, क्लेफेरी है। क्लेफेरी को मैं पकड़ूँगा, छोड़ो यार क्लेफेरी को नहीं पकड़ते। और यहाँ पर पारस है, पेरिस
तो यहाँ से मैं आ चुका हूँ और अब हमें जाना होगा आगे और इस केव से निकलना होगा। फिलहाल तो हमें आगे जाना होगा और ओनिक से नहीं लड़ेंगे, तो चलो जाते हैं जल्दी से। और ये गया मैं और पेरिस से फाइट नहीं करेंगे। और नर्स जो है यार, चलो ये ना हमारे पोकेमोन्स को हील अप करते कि चलो थैंक्स नर्स जो आपने हमारे पोकेमोन्स को हील अप कर दिया है। तो अब ना हम जाते हैं आगे। अरे रुक जाना भाई, अरे यार क्या नाम है इसका, क्लेफेरी का विकसित रूप है ये। फिलहाल तो मुझे रिवाइव अटैक मिल चुका है और यहाँ पर ना एक ट्रेनर खड़ा है, ट्रेनर नहीं है टीम रॉकेट का मेंबर है, तो ना इसको जल्दी से हरा देते हैं। और इसके पास दो पोकेमोन है, टाटा है पहला पोकेमोन तो इसका। तो फिलहाल तो इसको पैकिंग अटैक से करते हैं ख़त्म। अरे हो जाना, चलो इस ये तो एक ही अटैक से ख़त्म हो गया। और इसका जो सेकेंड पोकेमोन है वो है सेंसरी, जो कि ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, और इसको हरा पाऊंगा क्या मैं? चलो इसको हराने में थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन इसको हरा देंगे यार। चलो इसका अपना एक ही अटैक का बच चुका है और इसको कर दिया मैंने ख़त्म। चलो सेंसरी को भी हमने हरा दिया है और 21 लेवल पर हो चुका है हमारा कार्विस क्योर। और ना एक अटैक सीख रहा है, टोंट अटैक नहीं सिखाएंगे यार। इस अटैक से होता है कि एनिमी को गुस्सा आ जाता है, एनिमी को नहीं उसके पोकेमोन को गुस्सा आ जाता है और कभी कभार वो अटैक मिस कर जाता है। तो फिलहाल तो हम आगे जाते हैं और सभी ट्रेनर्स को मैंने हरा दिया। और पोकेमोन है ना, कोई गिला रीजन का पोकेमोन आ ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था कि फाइट करेंगे और एक टीम रॉकेट का बंदा आ चुका है। फिलहाल तो हमने इसे हराना पड़ेगा और इसके पास भी दो ही पोकेमोन है, रेटाटा होगा शायद से पहला। तो मैं सोच ही रहा था कि रेटाटा होगा, रेटाटा ही है इसका पोकेमोन। तो फिलहाल तो मैंने इसको हरा दिया और जल्दी से जाते हैं आगे। और एक साइंटिस्ट खड़ा है, डू नॉट आई फाउंड दिस फॉसिल फर्स्ट। तो यहाँ पर ना शायद से फॉसिल पड़ी है, तो हमें ना पहले इसे हराना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से इसे हरा देते। पोकेमोन पिकाचू बुलाता हूँ क्योंकि कॉर्बिस की हालत कम थी, लेकिन मैंने पिकाचू को बुला लिया। थंडर शो का अटैक करते हैं, शायद से ख़त्म हो जाए। अरे यार काफ़ी कम डैमेज आए, मुझे लगा कि येलो पर चला जाएगा लेकिन नहीं गया। तो एक और थंडर शो का अटैक, और अब ना येलो पर आ चुका है, इसने हमारा थंडर शो का अटैक डिसेबल कर दिया। डबल किक का ट्राई करते और वो मिस हो गई यार, मैं हार ना जाऊँ उससे कहीं। चलो डबल किक अटैक फिर से, और डबल किक अटैक इतनी यूजफुल हुई नहीं जितना हमने सोचा था। इसने हमारे पिकाचू की हालत ख़राब कर दिया। चलो थंडर शो का अटैक करते हैं और ग्रीमर हो चुका है ख़त्म। और इसके ना अब दो पोकेमोन बचे होंगे मेरे ख्याल से। पिकाचू 21 लेवल पर स्पार्क अटैक सीख रहा है, तो स्पार्क अटैक सिखा देते हैं। थंडर शो का अटैक को हटा दूँ क्या मैं, या फिर मैं क्विक अटैक को भी हटा सकता हूँ वैसे? चलो हटा दिया मैंने क्विक अटैक को। यहाँ पर ना इसका दूसरा पोकेमोन है वोल्टर, तो सेकेंड सब क्या कहते हैं यार, पोशन का यूज़ करते हैं क्योंकि हालत इसकी भी कम है। सोनिक बूम अटैक, और भाई साहब क्या ही दे दिया इसने। चलो फिर से पोशन का यूज़ कर लिया। अब स्पार्क अटैक करा इसने इलेक्ट्रिक टाइप, जो कि मेरे पिकाचू पर काम नहीं करेगा। फिर से एक पोशन जिससे ज़्यादा एच पी रिकवर होता है इसे। रोल आउट अटैक कर दिया यार इसने। चलो अपना डबल किक का इस्तेमाल करते हैं और डैमेज तो काफ़ी ही दिया, मतलब अच्छा खासा डैमेज दे दिया मेरे पिकाचू ने इसको। वोल्टर को लग चुका है, पैरालाइज हो चुका है और उसकी एच पी जो है रेड पर आ चुकी है। अरे यार मैं इसको ना हरा दूंगा। चलो मैं डबल किक से मैंने इस वोल्टर्ब को भी हरा दिया और इसका जो लास्ट पोकेमोन है पोरिगोन आ चुका है। पोरिगोन क्या नाम इसका, पोरिगोन, पोरिगोन को अब थंडर शॉक का अटैक का ट्राई करते हैं पहले। और ना थोड़ा सा ही डैमेज आए, मुझे लग रहा है कि डबल किक का इस्तेमाल करना चाहिए था हमें। तो चलो यार है यार, इसने फिर भी बेरी यूज़ का बेरी कर ली, लेफ स्टोरी क्या नाम इसका, स्पार्क अटैक यूज़ करके देखते हैं। अरे यार काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज आया स्पार्क अटैक से। चलो ये ना एक बेरी का यूज़ करिए, क्या नाम लेफ्ट स्टोरीज स्पार्क अटैक, और ये भी हो चुकी है ख़त्म। तो हमने ना इस साइंटिस्ट को भी हरा दिया। यहाँ पर एक फॉसिल पड़ी थी शायद से, हमें ना वो लेनी पड़ेगी वन फॉर ईच। ये कह रहा है कि दो फॉसिल पड़ी है, हम दोनों ना एक एक चूज़ कर लेते हैं। मैं ना लेफ्ट वाली चूज़ कर लेता हूँ फिलहाल, और राइट वाली हम इसको ही दे देते हैं भाई, तू ले ले। चलो इसने ले लिया और अब ना हम जाते हैं आगे। और यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन्स हैं फिलहाल, तो मुझे इस केव से बाहर निकलना है। पीछे एक पोकेबॉल पड़ी थी, रुको इसे लेने दो, एंटीडोट है ये। तो फिलहाल जाते हैं इस केव से बाहर भाई साहब, काफ़ी टाइम हो गया। तो गाइस हम आ चुके हैं बाहर इस केव को, और अगली यहाँ पर अगली सिटी जो है वो है, मैं क्या नाम उसका, मिस्टी है ना, मिस्टी की सिटी होने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि आज के एपिसोड का हमें यहीं पर एंड कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।